एक 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 फिल्मी टुकड़ा सुनेंगे आप। हेलो हेलो, बढ़िया सा गीत बजा। साथी मुझको याद करेंगे करेंगे। भीगी भीगी रातों में लेकिन एक मासूम सा दिल है इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा मुझको मेरे बाप मुझको मेरे बाप मुझको मेरे बाप ये जमाना ढूंढेगा दिल का सुना सा तराना कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है और कीर्तन एक संदेश। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा दादाजी, सुनिएगा। पिता के चरणों को छूता जो अभी मैंने शुरू में विषय छेड़ा था लेकिन बात कट गई बीच से। माँ के ऊपर हजारों पंक्तियां लिखी गई हैं और ये बिल्कुल परम सत्य है कि माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। इसको थोड़ा सा ओपन बनाइए राजेश भैया, खुला बना दीजिए बस, थोड़ा सा बढ़िया बोल रहा हूँ। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता लेकिन पिता, अध्यक्ष जी, पिता की जगह की तो बात छोड़िए, सोच नहीं सकता है व्यक्ति। दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक दो मिनट का समय चाहूंगा। दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा कि भैया एक बात बताओ कि माँ माँ हमको अपने गोदी पे बैठाती है यहाँ कमर पे और पिता कंधे पे बैठाता है, ऐसा क्यों? तो छोटे बच्चे ने कहा मैं बता रहा हूं, माँ गोदी में इसलिए बैठाती है कि बेटा जो मैं देख रही हूं उसको तू भी देख ले। छोटा हूं मैं, गोदी में इसलिए बैठाती है कि अगर बात पसंद आए अंत में तो आशीर्वाद चाहूंगा। माँ माँ कहती है कि बेटा गोदी में इसलिए बैठाती है कि जो मैं देख रही हूं उसको तू भी देख ले। लेकिन पिता कंधे पर इसलिए बैठाता है, पिता कंधे पर इसलिए बैठाता है कि बेटा जो मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले। ये होते हैं पिता। ये सम्मानी श्री संदीप पटेल जी जायस से, जायस अमेठी, सम्मानी बड़े भैया श्री संदीप पटेल जी जायस अमेठी। अच्छा, कल बारिश की वजह से आप लोग चले गए थे तो आज फिर आए हैं, वहां पे जायस में था कार्यक्रम,
तो आपका स्वागत है आदरणीय भैया, आपकी तरफ से एक से एक पत्र मुद्रा है। तो ये कल अच्छा बारिश की वजह से वापिस घर जाना पड़ा था आप सभी को, तो चलिए आज आए, आपका स्वागत है और कार्यक्रम सुन के जाइए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको। क्योंकि कल ईश्वर हाँ आदरणीय अध्यक्ष जी भी गए थे, रास्ते से वापस चले आए, बहुत लोग गट भाई जी 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 जी। तो चलिए कल की पूर्ति आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो सुनिएगा खंड गीत को। पिता के चरणों को छूता जो वो संपत्ति हीन नहीं होता। दादा ये हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और माँ के चरणों को छूता जो वो ममता हीन नहीं होता। और आदरणीय हमारे गुरु जी सुनील भैया सुनिएगा पंक्ति को। भाई के जो चरण छुए जो वो शक्ति ही नहीं होता। दूसरी पंक्ति, गुरु के चरणों को छूता जो गुरु के चरणों को गुरु के चरणों को छूता जो वो बुद्धि हीन नहीं होता। बुद्धि हीन नहीं होता। तो बन जाते हर काम दिल हमारा कहता है। कितने भी हम उम्र दराज हो जाएं, अगर माँ बाप बूढ़े माँ बाप घर पे हैं तो उनके चरण स्पर्श करके निकलेंगे तो कभी काम बिगड़ता नहीं है, ये सबका विश्वास है, मेरा भी विश्वास है। बन जाते हर काम दिल हमारा कहता है। और इसको करने से, चूंकि बड़े भैया माता पिता से भगवान है, भगवान से माता पिता नहीं है, माता पिता गुरु इनसे भगवान नहीं है। तो सुनिएगा, खुश होते प्रभु राम दिल हमारा कहता है। और जिस काम के लिए आप जाएंगे, मिलकर नया आयाम दिल हमारा कहता है। दादाजी चरणों में चारों धाम दिल हमारा कहता है। क्योंकि खुशियों की कोई डाली नहीं होती, खुशियों की कोई डाली नहीं होती। आदरणीय बड़े भैया श्री दिनेश तिवारी जी, आदरणीय गुरु जी पेशे से शिक्षक हैं और ये आपका कीर्तन के प्रति प्रेम भावभूषित है हमारे लिए। आप सुल्तानपुर से चल के आए हैं आदरणीय, आपकी तरफ से एक सौ एक पत्र मुद्राएं, सादर प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और परम सम्मानी आदरणीय श्री रंजीत सोनकर जी, गंगागण कमेटी, बहुत ही बड़े मंच अच्छे मंच के आयोजक हैं आदरणीय दादा जी, ये एक से एक पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी एक बात है, आप चाहते आप सामर्थ्यवान हैं, आप चाहते ऑर्केस्ट्रा भी करा सकते थे। आ
निवेदन कर रहे हैं मेरी पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि हाथ में सच्चाई नहीं पतवार होनी चाहिए, हाथ में सच्चाई नहीं पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके पार तालियों के लिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम भी आपने सुना, बढ़िया रंजीत राठिया की तरफ से। और क्या, काफी महीना मानने का लगा रहे हैं आजकल श्रद्धांजलि में चल रहे गुरु। 35 मिनट का समय है लेकिन काफी समय ले लिया आपने। और क्या, कोई बात नहीं, जब बीच में सर्कस करनी पड़ती तो तमाम समय लग जाता है। सही सही है। एक शेर हमारे बड़ा अच्छा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा रंजीत भैया के, वो पूरे अपने अरमान नहीं कर सकते, कुछ लाइनें आपकी थी, हालात बयान नहीं कर सकते, हालात बयान नहीं करता वो दूर स्वाभिमान नहीं करता, और करा नहीं सकता वो अपने बुजुर्गों से इज्जत जो अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करता। अच्छा लगा मुझे ये शेर। अब सम्मान क्यों नहीं करता आज के दौर में इंसान, मैं सच्ची बात तो नहीं कर रही हूँ लेकिन 50% आदमी ऐसा है जो माँ बाप का सम्मान कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना हो रही है। क्यों सम्मान नहीं करता? क्योंकि वरदान, वरदान को आप श्राप समझ बैठे हैं, वरदान को आप श्राप समझ बैठे हैं, पुण्य को वो पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत कहा करते थे, पहले माँ बाप को ही दौलत कहा करते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए। आजकल माँ बाप पीछे हो रहे पहले घर में, जाने भैया जब पेंशन की आती है तो उसमें भी बंटवारा हो जाता है, एक महीने हम रखेंगे एक महीने आप रखिए। लेकिन ये भट्टी साहब का बहुत अच्छा आया, जवाब के लिए कुछ नहीं कहूंगी रंजीत भैया, क्योंकि बधाई गीत मन की भावनाएं मन का उद्गार होती हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आपने भी जोड़ी है हमारे शत्रु भैया के लिए, लेकिन आपका खंड गीत आया है उसका जवाब सुनिए। Really?
जवाबी में जवाब का बड़ा महत्व होता है भाई साहब। इनके गीत में पिता के चरणों को जो छूता है वो संपत्तिहीन नहीं होता, हालांकि ऐसा नहीं है, केवल पापा के चरणों को छूते रहिए आपको दौलत मिल जाएगी, ऐसा तो किताब में नहीं लिखा है। लेकिन ठीक है, संपत्तिहीन नहीं होता और माँ के चरणों को छूता है, चलो ये सही, संपत्तिहीन नहीं होता, भाई के चरणों में शक्तिहीन नहीं होता, बढ़िया बढ़िया लाइन है कुल मिलाकर। चरणों में चारों धाम दिल हमारा कहता है। अब मेरी जवाब की पंक्तियों को सुनिएगा, सुनिए। हीन चल रहा है, संपत्तिहीन, ममताहीन, तो हमारी माताएं बहनें भी सुने और भैया लोग भी सुने, शत्रुघ्न भैया, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना, अपने बड़ों से सुना, के पहली रोटी गाय को दे दो, दुनिया के तमाम मंदिरों में जा
तो ये भी खुश हो जाएंगे, और अगर वो दुखी है और इनको भोग लगाएंगे तो ये भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि असली भगवान धरती के लिए भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ निकल जाओ ऐसा है कि छुप 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 के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, बिछड़ कर जाना की माँ से मोहब्बत क्या है, और बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा, बेटा कहलाने के लायक नहीं वो बेटा जो कोई माँ से पूछे कि तेरे दूध की कीमत क्या है।